मुरादाबाद की थाना पाकबड़ा पुलिस ने इस्लाम नगर पाकबड़ा निवासी यूट्यूबर वसीम अहमद सहित उसके अन्य दो साथियों के खिलाफ 153B 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना पाकबड़ा में तैनात सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की ओर से दर्ज की गई इस FIR में तीनों आरोपियों पर देवी देवताओं की फोटो के साथ खिलवाड़ किए जाने के साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए देवी देवताओं की फोटो के सामने अपशब्द लिखे जाने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, यूट्यूबर द्वारा अपने यूट्यूब पर डाली गई क्लिप से दो समुदाय के लोगों के बीच घृणा फैलाए जाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वसीम को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। उसने आखिर किस मकसद से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला यह वीडियो अपलोड किया था। उन्होंने बताया कि लोगों की काफी शिकायत इस वीडियो को लेकर थाना पाकबड़ा पुलिस के पास पहुंची थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें वसीम को नामजद किया गया है और दो लोग अज्ञात शामिल हैं। तो थाना पाकबाड़ा पर एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक कोई यूट्यूब चैनल राउंड टू हेल, उसके द्वारा कुछ इस तरह के वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें एक संप्रदाय विशेष के लोगों की भावनाएं उससे आहत होने की बात सामने आई थी। उसमें जांच की गई और तो पाया गया कि इस तरह का एक मामला है, तो उसमें FIR थाना पाकबाड़ा पर पंजीकृत हुई है। और जो ये यूट्यूब चैनल है, इसका चलाने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम वसीम बताया गया, उसको अभी बुलाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या प्रकरण है और इसने किस आशय से ये वीडियो डाला है। साथ ही इसके साथियों के बारे में भी, जो उसमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में भी अभी जानकारी की जा रही है। वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग देख सकते हैं, उसमें जो लोग भी हैं उसमें उनके बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल इससे अभी पूछताछ की जा रही है।